एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग ऑसम। आज का वीडियो जो है वो एक मेकअप वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने तो इंट्रो देख के समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली मैंने ये लुक क्रिएट किया है और बहुत ही कम बजट के अंदर मैंने क्रिएट किया है। एंड एक सिंपल सी साड़ी पहनी है मैंने, तो जो बंगाली प्रॉपर लुक होता है ना, मैंने वो लुक क्रिएट किया है। एंड थोड़ा सा मॉडर्न का भी मैंने टच दिया है। सो आप क्रिएट कर सकते हो सरस्वती पूजा में, क्रिएट कर सकते हो दुर्गा पूजा का अष्टमी में, क्रिएट कर सकते हो एंड कोई भी अगर कॉलेज का फेयरवेल पार्टी हो तब भी क्रिएट कर सकते हो। ये लुक बहुत ही प्यारा है एंड मैंने जो लिप शेड लगाई है, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा है मुझे। एंड एक बात है, मेरे आँख जो है ना वो बहुत छोटे हैं, इस वजह से ना अगर आप मोटे करके भी काजल लगाओगे ना तो वो नहीं दिखता है मेरे आँखों में उतना ज़्यादा, मतलब हाईलाइट नहीं करता है। सो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये क्रिएट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप पर। सो और मैंने ईयर रिंग्स यहाँ पे नहीं पहनी है जैसे कि मैंने बताया, बट एक सच बात बोलूँ, मुझे ना इसके मैचिंग जो ईयर रिंग्स है वो नहीं मिल रहे थे। ब्लैक पॉलिश का ईयर रिंग्स मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं पहने हैं। अदरवाइज मैं पहनती या फिर छोटे करके कुछ पहनती, छोटे वाला ही मुझे नहीं मिल रहा था इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। लेकिन अब छोटे वाला अगर आपके पास कुछ है तो आप पहन सकते हो, क्योंकि अगर बड़ा वाला पहनोगे ना तो वो मॉडर्न जो लुक है वो चला जाएगा। आप छोटे वाला जो आता है ना वो वाला पहन सकते हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलना। और अगर आप चाहते हो मुझे कहीं और सोशल साइट पर फॉलो करना तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो आप झटफट करके वहां पे फॉलो कर दो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं यूज करूंगी एक मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पिलग्रीम का मॉइस्चराइजर। ये मैं कुछ दिन हुआ है मैं यूज कर रही हूँ, गर्मी में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये जेल बेस्ड टाइप ऑफ एक मॉइस्चराइजर है, लेकिन प्राइस बहुत हाई है, 1000 के आसपास इसका प्राइस है। मुझे तो कोलैबोरेशन में मिल गया था, सो या। एंड उसके बाद यूज़ करेंगे एक प्राइमर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। अगेन मैं बोलूँगी जिसका ऑयली स्किन है आप ये स्किप कर दो एंड कोई अच्छा खासा एक ब्लर टाइप का एक प्राइमर ले लो, जो होता है ना, आई मीन मैट लुक प्रोवाइड करता है, ऑयल को बाहर आने नहीं देता है, सो उस टाइप का। उसके बाद यूज़ करेंगे एक फाउंडेशन। मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ पिलग्रीम का फाउंडेशन। शेड आई थिंक अ वर्म सैंड है इसका शेड, मेरे से एक दो शेड लाइट है, बट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे फेस एकदम ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि ब्लेंडिंग इज द की, तो वही है। अगर आप कोई भी फाउंडेशन हो, ब्लेंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी आप मेरी फेस देख सकते हो कितना अच्छे से बैठ गया है फाउंडेशन। उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मेरे अंडर आइज़ इतना डार्क नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, तो मैं एकदम लिटिल अमाउंट में अप्लाई करूँगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं अप्लाई कर लूँगी कॉन्टोर। ये इनसाइड का है, ये बहुत ही एक अच्छा खासा पैलेट है। अगर आप ले लोगे ना तो आपका कंसीलर, कंटोर, ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, पर्पल करेक्टर, येलो करेक्टर आप मिक्स एंड मैच करके भी अपना यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया सा एक पैलेट है, इन्वेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी बेलूरा पैरिस का कॉम्पैक्ट। ये मेरे से एक शेड डार्क है तो मुझे लगा कि बढ़िया होगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसको अप्लाई करती हूँ तो एकदम मैच हो जाएगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन लाइट था। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये कॉम्पैक्ट मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ करती थी माई ग्लैम का एक पाउडर, लूज पाउडर काइंड ऑफ, तो वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद ब्लश अप्लाई किया स्विस ब्यूटी का एंड सेटिंग स्प्रे स्विस ब्यूटी का। मैं पूरे बेस जो मैंने क्रिएट किया है एकदम से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो। मैंने यहाँ पे लिया है इम पैलेट की तरफ से एंड यहाँ पे मैंने एक डार्क ऑरेंजी काइंड ऑफ एक शेड को लेके मैं आईलिड पे बस अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद प्लम का काजल मैं अपर लाइन पे एंड लोअर लैश लाइन पे मैं अप्लाई कर दूँगी। एंड उसके बाद जो आईलिड पे अप्लाई करा था उसको ही मैंने नीचे बस स्मज कर दे रही हूँ। उसके बाद मस्कारा का एक टेक्निक मैं बताती हूँ। अगर आप जब मस्कारा निकालते हो ना तो ऐसे एक्सेस प्रोडक्ट को ना निकाल दिया करो। जो क्या होता है ना, जो हमारे आई लैशेस हैं वो जुड़ते नहीं है एंड हेवी सा नहीं लगता है, तो बहुत ही एक अच्छा खासा टेक्निक है, आप ये फॉलो कर सकते हो। जब से मैंने इसको फॉलो किया है मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद अच्छे से हम मस्करा को कोट करेंगे एंड दिस इज माय फाइनल लुक।
वीडियो कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आप प्रोडक्ट का लिंक जानना चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। मुलाकात होती है बहुत जल्दी कोई सब इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।